सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर सहदेस आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.4 पर चर्चा करेंगे। देखें इसमें दिया हुआ है सवाल को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखें। 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके, इसको उत्तरोत्तर स्टेप बाय स्टेप जो है आवर्धन करके जो है संख्या रेखा पर इसको जो है निरूपित करना है, देखना है। देखिए इसमें दिया हुआ है 3.765 दिया है ना, तो 3.765 इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। देखे है 3 और को छोड़ दीजिए, 7 है यहाँ पर ना, अभी 0 बढ़ा दिए तो कितना हो गए रुपया, अगर पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 3.70 ना, तो ये किसके बीच है, 3.70 के बाद है और किस कितने बीच में है, 4 रुपये, अर्थात यह जो है 3.70 के बाद और 4 के बीच, अगर ऐसी संख्या लेंगे तो किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है, किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर अंकित कर लेते हैं 3 और 4 के मध्य जो है आवर्धन को जो है मध्य आवर्धन को उत्तरोत्तर आवर्धन को 10 भागों में विभक्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बिंदु आपका हो गया, मान लिए ये कितना है 3 है, और यहाँ पर अगर 4 ले लेते हैं इसके बीच में हम भाग कर लेते हैं 10 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया था 4, ठीक। अब देखिए इसमें अब 3 के आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद फिर बनाए कर 4 आ गए, कहीं आ गए, एक और देख रहे बड़ी की मध्य भाग हो गया इसका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कितना था भैया, 3.7 कहाँ है इसमें, कहीं दिखाई दे रहा है ना, 3.7 के बाद ही है ये मिल रहा है आपको ना, 3.7 के बाद। अब कितना है पूरा अगर देखते हैं दोनों अंक ले लेते हैं तो कितना बन रहा है, 76 पैसे से कुछ ज्यादा है ना, 76.5 पैसे मान सकते हैं लगभग में। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बिंदु को यहाँ पर मिल रहे हैं ना, इन्हीं के बीच ये स्थित है, किसके किसके, इन्हीं दोनों के बीच यहाँ पर स्थित है 3.7 और 3.8 के बीच में, बात समझ गए ना। तो यहाँ पर कितना है 76 पैसा हो रहा है यहाँ पर आपका, और ये कितना हो रहा है 3.80 रुपया हो रहा है, 3.70 रुपया हो रहा है, उसी के बीच में तो है। अब यहाँ पर हम दर्शा लेते हैं, देखिए 3.7 3.7 के बाद अगर हम चलते हैं इसका भी 10 इसके उत्तरोत्तर आवर्धन को क्या करते हैं हम, इसके मध्य को कितने भागों में विभक्त कर लेते हैं, 10 भागों में विभक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से देखें ये हुआ ना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखें यहाँ पर 10वें पर आएगा क्या, पता है 3.7 और 3.8 इसी के बीच में ही तो है ना, यहाँ लिख दिए क्या हम 3.8 लिख दिए ना, 3.7 और 3.8 क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर हम 3.7 के बाद जब हम चलते हैं तो कितना लिखेंगे, 3.7 के बाद हम बढ़ेंगे अब आप, तो 3.7 है वहां से 1-2 करके पूरा आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, 3.70 के बाद क्या होगा भैया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78,
3.79, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ 3.8 आ जाएगा ना। देखिए 3.79 है, 3.79 में उधर हम अगर यहाँ कर देते हैं 0 हुआ, अब हुआ कि नहीं हुआ है, हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, अगला पॉइंट देखते हैं 2 अंक पर 7.6 कहाँ है कहीं दिखाई दे रहा है आपको ना, 7.6 कुछ ज्यादा ही तो है, 7.6 और 7.7 के बीच में ये 3.75 स्थित है नहीं है। अब ये दो बिंदु हमको मिल गए नहीं, कौन 3.77 कौन मिले 3.77 से ज्यादा होगा ना। अब यहां भी बना लेंगे और क्या होगा 3.78 पर, इसको इसके आवर्धन को क्या करेंगे 10 भाग में विभक्त पुनः कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखते हैं हम 3.7 क्या किए 7.7 और यहां 3.7 क्या हो गए 8 हो गया। अब यहां पर लिखेंगे हम 3.771 लिख देंगे, 3.6 क्योंकि 3.76 और 7.7 के बीच स्थित है ना। अब देखें 3.76 के बाद लिखेंगे क्या 3.7 7.6 9 3.7 7.7 3.7 7.6 4 3.7 7.6 5 3.7 7.6 7 3.7 7.6 8 3.7 7.6 9 उसके बाद 3.77 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3.765 कहां पर स्थित है, 3.765 आपको दिखाई दे रहा होगा कहां पर स्थित है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो बिंदु लिए हैं इसको जो मध्य भागों में व्यक्त किए हैं इसके आवर्धन को जो 10-12 भाग बांटे हैं तो 3.7 3.8 देखो यहाँ पर दर्शा रहा है 3.7 यहाँ है और 3.8 यहाँ पर आगे नहीं है। अब इसका मध्य बिंदु कहाँ पर है, दोनों के बीच जो मिला हमको निकालना चुकी हमको क्या है 3.76 यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ना, इसी का मध्य का यहाँ होगा 3.76 है कि नहीं है, और 3.77 के बीच ही यहाँ लेना है, यहीं कहीं पर बिंदु होगा वो ठीक। उसके बाद 3.76 आपका यहाँ पर आ गया और 3.77 यहाँ पर बिंदु हुआ, तो इसी के मध्य वाला बिंदु 3.76 के बाद और 3.77 के पहले जो बिंदु है वो यहीं से तो आया होगा, इसी के बीच रहा होगा ना, कोई इसको दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है, हमारा यही बिंदु हो गया कि नहीं हुआ है, ये हमारा बिंदु हुआ फोकस कर रहा है और अगला जो है ये बिंदु हमारा क्या कर रहा है फोकस कर रहा है, देखो 3.76 और 3.77 के बीच ठीक। अब इसके मध्य जो फोकस कर रहा बिंदु क्या है 3.765 यही जो आपका उत्तरोत्तर जो आवर्धन है इसको यह संख्या रेखा पर दर्शा रहा है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यही हमको देखना होता है समझने के लिए, सीधी सीधी आता है कि सबसे पहले जो 3 है 3 रुपया है और 3 रुपया कुछ पैसा है, उसके बाद आगे रुपया अगर पूर्ण संख्या लेते हैं तो क्या आता है 4 आपका आ जाता है, कितना आ जाता है 4 आ जाता है, तो 3 और 4 के बीच भी यह स्थित है ठीक, 3 रुपये और 4 रुपये के बीच में ही स्थित है। तो अब यहां पर देखें जो दिया हुआ है कितना है
धन्यवाद।